मैंने SSP सर से ये बात करी, अगर मुझे अब न्याय नहीं मिला, अगर मुझे अब मेरी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई, मुझे अपना हक चाहिए, मैं अपने घर पर रहना चाहती हूँ, मुझे बिजली पानी चाहिए, मुझे वो सारे हक चाहिए, मैं इस घर में रहूँ, मुझे झूठे मुकदमों से मुक्ति चाहिए, मुझे अपने शौहर की नौकरी चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, नहीं मिला तो मैं धर्म परिवर्तन करूँगी। नेक्स्ट स्टेप यह है कि हम हिंदू होना चाहते हैं और हमें योगी जी माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सब समाजवादी के गुंडे हैं। ये मोहम्मद परवेज भी समाजवादी का गुंडा है बहुत पुराना, और ये हमारे पापा हैं वो भी समाजवादी की ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो इतना जुल्म ज्यादती हम पे कर रहे हैं। घर के झगड़े तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसा देखा है कि कहीं बात इतनी बिगड़ जाए कि बेटा बहू धर्म परिवर्तन की धमकी देने पर उतर आए? शुरुआत में तो आपने सुना ही कि कैसे मोहम्मद रुवैद और उनकी पत्नी घर के झमेलों से परेशान होकर धर्म परिवर्तन की धमकी देते नजर आ रहे हैं। दरअसल मुरादाबाद के पूर्व AIMIM के जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुवैद और उनकी पत्नी ने घर के प्रॉपर्टी विवाद के चलते परेशान होकर धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें योगी जी पर पूरा भरोसा है। वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ पर ही रुक गए। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। आरोप लगाने का सिलसिला तो यहाँ तक पहुँच गया कि रुवैद और उनकी पत्नी की ओर से ये तक कह दिया गया कि उन्हें परेशान करने वाले सभी समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। रुवैद ने SSP को एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार भी लगाई है। दरअसल मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में रहने वाले AIMIM के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद रुवैद और उनकी पत्नी समीना परवीन ने अपने परिवार के लोगों से परेशान होकर और कहीं से न्याय न मिलने की बात कहते हुए हिंदू धर्म अपनाने की बात कही है, और यही बात उन्होंने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से मुरादाबाद के SSP से भी कही। रुवैद का आरोप है कि उनकी बहनें और जीजा उन्हें तरह तरह से परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग उन्हें मकान से निकालना चाहते हैं। क्योंकि मकान की कीमत 2-4 लाख नहीं बल्कि पूरे 1 करोड़ है, तो मामले का तूल पकड़ना तो लाजमी था। जब तक ये अपने घर से पैसे लेकर आ रही थी, जब तक सब सही था। आज इनके वालिद का इंतकाल हो गया, इसी वजह से, इन लोगों के टॉर्चर करने की वजह से। हमारा जो बहन भाई है मोहम्मद परवेज, वो एक अधिवक्ता है और वो अपनी वकालत के बल पर गुंडाई दिखाता है। इनफैक्ट हमें कचहरी तक में पैरवी नहीं करने देता है। वो कहता है कि मैं वकील हूँ, तुम्हारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, और ये हकीकत भी है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। वही जब रुवैद से सवाल किया गया कि अब उनका अगला कदम क्या होगा, तो उनका इस पर भी जवाब सुन लीजिए आप। नेक्स्ट स्टेप यह है कि हम हिंदू होना चाहते हैं और हमें योगी जी माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सब समाजवादी के गुंडे हैं। ये मोहम्मद परवेज भी समाजवादी का गुंडा है बहुत पुराना, और ये हमारे पापा हैं वो भी समाजवादी की ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो इतना जुल्म ज्यादती हम पे कर रहे हैं। वही रुवैद की पत्नी समीना परवीन का भी आरोप है कि उन्हें और उनके पति रुवैद को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उनकी नंद और उनके पति उनको मकान से निकालना चाहते हैं। उनका कहना था कि हम सभी थाने चौकी जा चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वकीलों का दबाव बनाते हैं, मैं जहां थाने में जाती हूं गुहार के लिए, वकीलों की वो पूरी फौज लेके पहुंच जाते हैं और वहां पे सबका दबाव बनाते हैं। मेरी कोई पुलिस वाले ने सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। मैं SSP के पास गई, DIG के सर के पास गई, हर थाने में जाकर हूँ, कटघर थाना, महिला थाना, कौन सा थाना है जहां पे मैं नहीं गई हूँ, कितनी एप्लीकेशन है, मैं 100 एप्लीकेशन लगा चुकी हूँ, कहीं पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब बताइए क्यों, आखिर ऐसा कौन लोग हैं, कौन कर रहे हैं? मेरी नंदों ने घर पे कब्जा कर रखा है, मेरे सास के इंतकाल के बाद मेरे नंदोइयों ने कर रखा है। मेरे ससुर को लालच देती है दूसरी शादी करा देंगे, वो दूसरी शादी के लालच में पागल हुए पड़े हैं, वो चाह रहे हैं बस शादी हो जाए किसी तरह, ये हम छोड़ के चले जाएं घर बार, और ये चाहते हैं कि मुझे ये तलाक दे दो, इनकी दूसरी शादी करा दें। समीना का कहना था कि वो बड़े बड़े मुसलमानों से मदद की गुहार लगा चुकी है, लेकिन कोई भी उनको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में ऐसा मजहब किस काम का, अब धर्म परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता नजर आ रहा है। मैं हर मुसलमान जितने भी बड़े लोग थे उन सबको बैठा चुकी हूँ, हर किसी के पास जा चुकी हूँ। हर कोई ये कहता है अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हम पे भी झूठे मुकदमे होंगे, क्योंकि जो हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है उसको धमकी देते हैं कि अगले मुकदमे में तुम्हारा नाम होगा। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा समाज किस काम का, ऐसा मजहब किस काम का। वही चलिए अब रुवैद के पिता का भी पक्ष जान लेते हैं। उनका तो साफ तौर पर यही कहना था कि चाहे धर्म बदले चाहे जो करे, बस हमारा पीछा छोड़ दे, इसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। मैं यही कहना, वो धर्म कोई भी अख्तियार करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी धर्म अख्तियार करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर मेरा पीछा छोड़ दे। इस कदर ने मतलब मेरी घर वाली का इंतकाल हो गया और वो रजिस्टर्ड वसीयत नामा, रजिस्टर्ड आग नामा, वो मतलब वसीयत कर गया अपने लड़कियों के नाम ने, मैंने भी लड़कियों का नाम कर दिया, जीते जी तो मतलब मैं मालिक, बाद में वो मालिक, वो मर गई, उनका आधा हिस्सा तो उनका हो गया प्रॉपर्टी का,
120 गज मकान है ये, 60 गज उनका हो गया, 60 गज मेरा बचा, मैं बेटे को देना चाहूँ या नहीं देना चाहूँ ये बात की बात है। छोटी सी बात से शुरू हुआ मसला अब हंगामे की शक्ल लेता जा रहा है। जाहिर सी बात है, बात जब धर्म परिवर्तन की है तो इतनी आसानी से मामला शांत होने वाला तो नहीं है। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।